बुरे हुए लोग नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, बुरे आप हैं क्योंकि आप इस झूठ को भी सच मान लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो वो बुरा नहीं है, बुरा आप हैं। क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं कि हम बुरे हैं और आप उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। अगर आप सही हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास में इन्हीं विचारों के साथ हम लोग शुरू करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ। जैसा कि आप जानते हैं रात्रि 9:30 बजे से आपकी ये क्लास होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार फर्स्ट सेमेस्टर होती है, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार यानी कि 3 दिन जो है सेकंड सेमेस्टर होती है रात्रि 9:30 बजे से, ठीक है। और 10 बजे से यानी कि 10:15 या 5 मिनट से, मतलब कि 10 से लेके 10:15 के बीच में ही शुरू हो जाती है लगभग 10:15 से आपकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, वो भी 3 दिन होती है थर्ड 3 दिन फोर्थ। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर मध्य काल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका चल रहा है गणित का इतिहास सेकंड सेमेस्टर में जो कि खत्म होने वाला है, तो अभी तक आपने पूर्व काल या फिर और भी जो आधुनिक काल थे उनको सबको देख लिया, आदिकाल वगैरह। उत्तर मध्य काल का समय जो है ये 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है खोजे हुई हैं और कौन कौन से गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी या फिर अपना योगदान दिया। तो इसमें हम चार गणितज्ञ की बात करेंगे, जिसमें नंबर एक है आपके नारायण पंडित, नीलकंठ, और तीसरे आपके जो है उनका नाम है कमलाकर, और चौथे हैं सम्राट जगन्नाथ। तो इनकी वो कुछ उपलब्धियां हम आपको गिनाएंगे। पहला नंबर है नारायण पंडित। नारायण पंडित ने 1356 ईस्वी में अंकगणित कौमुदी, फिर से देखिएगा, अंकगणित कौमुदी नाम के एक ग्रंथ की रचना किया था। कब किया था? उत्तर मध्य काल में किया था। किसने किया था? ये नारायण पंडित जी ने किया था। और कब किया था? 1356 में किया था। अगर आपसे ऐसे पेपर में पूछा जाए कि नारायण पंडित के बारे में कुछ जानकारियां लिखी है या फिर अंकगणित कौमुदी की रचना किसने किया था, कब किया था, तो किस काल में किया था, तो आप बताएंगे अंकगणित कौमुदी की रचना नारायण पंडित ने किया था 1356 ईस्वी में किया था, उत्तर मध्य काल में किया था। आगे नीलकंठ ने क्या किया था? नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना किया था। कौन सा ग्रंथ था? ताजिक नीलकंठी नाम का ग्रंथ इसकी रचना किया था नीलकंठ ने। कब किया था? 1500 ईस्वी में किया था। और हाँ सॉरी, ये ग्रंथ की रचना कब किया था यहाँ पर इसकी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। 1500 ईस्वी में नीलकंठ ने जो है वो ज्या, जानते हैं ना ज्या को, ज्या उसी में से ज्या आर का मान निकाला था। जैसे साइन कॉस्ट है ना पढ़ेंगे तो उसमें ज्या को ज्या स्पर ज्या होता है ना, ठीक, जिसमें आर इक्वल आर माइनस आर क्यूब अपान 3 प्लस आर का 5/5 डॉट 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 था। ये सूत्र आपको कम समझ में आ रहा होगा, जो लोग गणित के जानकार हैं एडवांस मैथ जिनको आती है उन्हें मालूम होगा ये क्या है, नहीं तो आपको बताया जाएगा, जीरो लेवल से क्लास देखिएगा। और हाँ इन्होंने एक बात और भी यहाँ पे प्रचलित है, सूत्र ग्रेगरी, इसे सूत्र ग्रेगरी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? देखिए एक हमारे पास में बुक है, इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है, मलयालम पांडलेख में मुक्तिभास में, यानी मलयालम पांडलेख मुक्तिभास में इस जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को सूत्र ग्रेगरी के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए ना? तो भाई एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं, जैसे गंगा जी को पद्मा नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी नाम भागीरथी नाम से जाना जाता है ना, उत्तराखंड में गंगा जी को भागीरथी नाम से जानते हैं, और कहाँ जानते हैं पद्मा नाम से? कमेंट करके बताइए या कि गंगा जी को पद्मा किस राज्य में कहा जाता है, कमेंट करिएगा। बांग्लादेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक, या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अगला देखिएगा, कमलाकर की बात करें तो कमलाकर ने तत्व विवेक नाम का ग्रंथ लिखा था। बाकी ज्यादा जानकारी यहाँ पे इनके बारे में नहीं है, आप इतना जान लीजिए कि उत्तर मध्य काल में ये चार लोग थे। और जगन्नाथ जी हैं जिनका पूरा नाम सम्राट जगन्नाथ है। 1331 ईस्वी में इन्होंने सम्राट सिद्धांत और रेखा गणित नाम की दो पुस्तकें लिखी थी। एक बात ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम था रेखा गणित, इन्होंने रेखा गणित नहीं किया था, ठीक ना, बात समझ गए।
तो इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं। आप लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें और याद रखें कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर होती है रात्रि 9:30 बजे से। आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा और भी टॉपिक है। अब हम लोग चलेंगे वर्तमान काल की तरफ। जी हाँ, बीते हुए सारे काल समाप्त हो चुके हैं, जो गया सो गया। अब देखेंगे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। वर्तमान काल में अगर बात करें, जो कि 1800 ईस्वी के बाद का समय माना जाता है, यानी कि 1822 ईस्वी से लेकर के आज यानी कि 2019 तक की बात करें, इसमें कुछ उपलब्धि और कुछ गणितज्ञों की बात करेंगे। जैसे पहला नंबर एक पर थे निरप सॉरी थे नहीं हैं जैसे निरिप सिंह बापूदेव शास्त्री। निरिप सिंह बापूदेव शास्त्री यानी कि ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने है बोला। यानी कि इनके बारे में अगर बात करें, 1831 ईस्वी में भारतीय एवं पाश्चात्य गणित का सृजन किया इन्होंने, मतलब भारत की गणित और जो पीछे की गणित थी पाश्चात्य गणित, उसका सृजन किया, जिसमें कुछ शामिल थे जो टॉपिक वो है रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सायनवाद तथा अंक गणित। इनकी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों और उल्लेखों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं आर्यभट्ट गणितज्ञ बहुत मशहूर और फेमस गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट की मतलब जो ग्रंथ है उसमें त्रिकोणमिति का उल्लेख मिलता है तथा ज्या यानी कि साइन का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ग्रंथ में ही पाया गया। और इतना ही नहीं, अगला जो है आपका गोलपाद। गोलपाद एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, इसमें केवल 11 श्लोक है, कितना 11 श्लोक है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात आपको बता दें कि महान गणितज्ञ यानी कि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर 19 मार्च 1975 ईस्वी को, 19 मार्च 1975 ईस्वी को भारतीय उपग्रह स्पुतनिका आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ गणितज्ञों से आपका परिचय कराएंगे। आप देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, बस तुरंत ही हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है ना? अब दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले तो थे उसको, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे इसमें कुछ नया टॉपिक गणितज्ञों के बारे में। हम एक नई क्लास में बात करेंगे जिसमें केवल गणितज्ञों की ही बात करेंगे, जैसे आर्यभट्ट, महावीराचार्य और वराहमिहिर वगैरह के बारे में। अब हम देखेंगे गणित क्या है, गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जरा एक मिनट सोचिए, वास्तव में गणित है क्या? क्या एक मोटी सी किताब ही गणित कहलाती है? आपकी जिंदगी में बहुत सी गुड़ा गणित होती है, आप पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, होती है कि नहीं? जैसे आपने दुकान से कोई सामान लिया, अब दुकानदार को आपने 100 रुपए दिए, सामान आपने 35 रुपए का लिया था, वो कितना रुपए लौटाएगा? इसमें भी तो आपका गणित हो रहा है ना। आप दूध वाले से दूध ले रहे हैं, वो आपको रोज जो है हर दिन 1.5 लीटर दूध दे रहा है। अब आप हिसाब लगाएंगे महीना के अंत में कितना लीटर दूध हुआ, जबकि बीच में 5 दिन वो आया ही नहीं, गायब हो गया। यहां भी तो गणित लग रही ना। कहने का मतलब ये है कि गणित वही केवल एक विषय नहीं है कि जो आप पढ़ते हैं किताब लेकर के डीएलएड के लिए या सीटेट के लिए, एसएससी और रेलवे के लिए। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। जरा सोचिए, क्या गणित के बिना लाइफ संभव है? जिंदगी नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ है, आप मानव जीवन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप हैं धरती पे, तो कुछ ना कुछ किसी से लेंगे देंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, चाहे आप पढ़ाई करें या ना करें ये अलग बात है, तो आप गणित का प्रयोग अवश्य करेंगे। मानते हैं आप कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे ही रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, वहां भी तो आप कुछ ना कुछ गुणा गणित करेंगे ना, कुछ लाएंगे कुछ बेचेंगे। तो एक प्रकार से ये समझ लें, गणित जो है इसका शब्द पहले गणित नहीं था। भारत में जो है गणित शब्द कैसे आया, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है इसकी खोज कब हुई, ये तो कहना संभव नहीं होगा कि गणित की खोज कब हुई, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए कि भारत में गणित शब्द का प्रयोग कैसे हुआ। गणित शब्द जो है गणन शब्द से बना हुआ है। आप जानते हैं ना, गणना करना यानी कि काउंटिंग करना, अगर देखें तो गणन गणन मतलब काउंटिंग करना। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, कोई चीज का गणन करते थे। जैसे आपको मालूम होगा कि पहले के जमाने में रुपया नहीं होता था, अभी आज से ही बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, आजा दादा के जमाने में ही,
तो लोग क्या करते थे, भाई तुम मुझसे 1 किलो घी ले लो, बदले में हमें 1 किलो चावल दे दो, गेहूं दे दो, जिसके पास नहीं होता था। लोग ऐसे अदली बदली करते थे। 1 किलो दाल, आप किलो की बात कर रहे हैं, सॉरी, किलो वगैरह भी तो कुछ नहीं मालूम होता था उन लोग को, नापा जाता था। आपने देखा होगा एक मौनी सिकौली या कोई एक कटोरा भगोना होता है, उससे नाप करके उसके बराबर में तुम इस उतना ले लो उतना दे दो, क्योंकि कोई पहले जोड़ घटाना नहीं होता था कि 5 किलो है कि 8 किलो है। हमारे समझ से यही होता था बहुत पहले की बात। तो ना तो कोई पैसा होता था, ना कोई तराजू किलो होता था, जो आज इस समय आप जान रहे, दादी लोग बताते हैं, जो इस समय आज गेहूं चावल है। सबसे बात करें मेन घी की, आप जानते होंगे 1000 रुपए किलो घी बिकता है, वो भी मिलावटी, रियल में नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, कोई कीमत नहीं होती थी उसकी, दूध घी दही या फिर जो भी घरेलू सामग्रियां हैं जो आज आप दुकानों से खरीदते हैं, फर्जी मिलती है, मिलावटी मिलती हैं, वो वास्तव में रियल होती थी और उसकी कोई कीमत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई बेचता खरीदता नहीं था, केवल अदला बदली होती थी, वह भी लगभग सभी घरों में उपलब्ध होती थी। आज के जमाने में कहाँ मिलता है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तब गणित शब्द जो है शुरुआत हो रही थी इसकी। ना तो कोई रुपया पैसा था, ना कोई तराजू किलो था कि तौल के लेंगे या फिर नाप के देंगे। बस एक बर्तन है, मान लीजिए एक कोई भी भगोना है या कोई बाल्टी है, तो भाई इसके बराबर भर के ले लो, उसके बराबर उतना भर के मुझे दे दो, बस हिसाब बराबर हो जाता था। ये रियल बात बता रहा हूं आपको, समझ रहे ना। तो क्या होता था, गणन होता था, यानी किसी चीज को गणना करना, काउंटिंग करना। और यहीं से क्या हुआ, भारत में अपने गणित की शुरुआत हुई। और आपको बता दें, यहाँ पे जो हमारे पास कुछ उपलब्ध डाटा है उसके अनुसार गणित मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि औजारों से भरा हुआ एक बाक्स जिसके द्वारा शब्द में कथित समस्याओं तथा तो प्राकृतिक क्रियाओं को सूचित, सूझबूझ और तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके उचित भाषा से समझाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि एक बाक्स ले लिया आपने, उसमें बहुत सारे रिंच प्लास पेचकस भरे हुए हैं, तो अब आपको किसी को बताना है कि इस बाक्स में क्या है, कितना है, कैसे बताएंगे आप? ये बताएंगे एक बाक्स औजार ले लो, वो कैसे समझेगा क्या क्या है इसमें? आप उसको देंगे लिख करके ना, इसमें 8 प्लास है, 5 पेचकस है, 2 रिंच है, उसमें भी कई एमएम की होती है, तो मतलब आप गणित लगाएंगे उसमें भी कि हाँ इसमें भाई ये चीज है इतना इतना, समझ गए ना। तो इसमें भी गणित का प्रयोग हो रहा है। तो बस यही सब होता है गणित। बाकी अगर हम आगे बात करेंगे अभी अगली क्लास में आपसे कि गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे कांट, बेंजामिन पीर्स और बर्टल रसेल, हेनरी पाइंकर, वर्थ लाट, रोजर मैकन, ये सभी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे ये क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। गणित की प्रकृति भी देखेंगे। तो ये लगभग में जो है गणित का इतिहास आपका समाप्त हो चुका है, परिभाषाएं वगैरह आप लोग पढ़ लेंगे, और हम अगली क्लास में बात करेंगे भारतीय कुछ गणितज्ञों के बारे में। बस उसके बाद फिर आप लोग पढ़ते रहेंगे अपना निसंकोच, ठीक है। तो हम भारतीय गणितज्ञ के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को कृपया लाइक करके जाइएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, चलते चलते आपको बता दें, जो मैं बार बार बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप अनअकैडमी पर फॉलो करें और कोशिश करिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको और सभी अन्य क्लास की जो ये डीएलएड की है ना, अदर पार्ट, जैसे 8वां पार्ट, 10वां पार्ट जो आप भाग देख रहे हैं, इसका अगला भाग, पिछला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है pvrstudy.com। जल्द ही आपके लिए pvrstudy का ऐप्स भी आने वाला है, तो आपकी सुविधा जो है आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना करिएगा, और मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको और दी गई है जिसे कहते हैं pvrstudy ग्रुप, तो इन चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कृपया करके क्लास के टाइम में फोन कॉल ना करें, ठीक है ना। तो थैंक यू।